में एक दिन पहले भी छोड़िए, कई बार तो एक घंटे पहले एक्टर्स को लाइंस मिलती हैं। वो कहानी ये थी, अभिमन्यु और अक्षरा अलग हो जाते हैं। अभिमन्यु अक्षरा को घर से बाहर निकाल देता है। आपका जिंदगी का आधा घंटा और वो भी रोज बहुत अहम है। एज अ राइटर थोड़ा तो ओरिजिनैलिटी की जरूरत होती है ना गाइस। तेरी मेरी डोरिया में लीप हो चुका है, थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखकर कॉपी करना बंद कर देना चाहिए, ओरिजिनैलिटी डालनी चाहिए। बच्चा बच्चे की माँ और माँ को बाहर निकाल, ये सेम ट्रैक जी टीवी के शो राधा मोहन में भी यूज किया गया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है की एंट्री हुई है तेरी मेरी डोरिया में, कि एक टीवी शो से कहानी उठाकर दूसरे टीवी शो में डाल दिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है का वो जो ट्रैक है वो तेरी मेरी डोरिया में भी आ गया। ओ माय गॉड, बॉलीवुड ने हॉलीवुड को कॉपी किया है। गाइस मैं भी शॉक्ड हूँ कि तेरी मेरी डोरिया में ये रिश्ता क्या कहलाता है कैसे आ गया। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने ये चीज सुनी और जब ये चीज मुझे काफी सीनियर जर्नलिस्ट है सुशीला उपाध्याय उन्होंने ये बताई, ये वही सुशीला उपाध्याय है बाय द वे जो कि सास बहू साजिश में इस वक्त हैं, इन्होंने जब ये पॉइंट रखा तो आई वॉज लिटरली ब्लोन। मुझे लगा यस, इसके ऊपर एक वीडियो तो बनता ही है। क्या है पूरी कहानी और तेरी मेरी डोरिया में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एंट्री कैसे हुई है, ये भी आपको बता रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू स्टार स्टेशन टीवी, बहुत सपोर्ट मिलेगा आप सभी लोगों का। ये जो एंट्री है ना, इस एंट्री का एक हुक पॉइंट है और वो है बच्चा। बच्चा बच्चे की माँ और माँ को बाहर निकाल। अब आई नो कि आप सब लोग बहुत ही लॉयल फैंस हैं तेरी मेरी डोरिया के भी और ये रिश्ता क्या कहलाता है के भी, लेकिन यहाँ पर जो राइटर्स हैं उन राइटर्स को शायद ये नहीं पता कि आप लोग जो है ना, जो लॉयल फैंस हैं और हम जैसे जो छोटे मोटे जर्नलिस्ट हैं जो देखते हैं कुछ चीज़ों को, उन्हें चीज़ें पता होती हैं। वो यहाँ से पैदल नहीं है, उन्हें पता है कि इस शो में वही ट्रैक है जो उस शो में था। ओ माई गॉड, ये रिश्ता क्या कहलाता है का वो जो ट्रैक है वो तेरी मेरी डोरिया में भी आ गया। ओ माय गॉड, यानी कि एक वक्त पे जो अभिमन्यु था उसने जो अक्षरा के साथ किया था अंगद साहिबा के साथ, थोड़ा बहुत वही कर रहा है राइट। अब जो लोग ये कनेक्शन समझ गए हैट्स ऑफ, जो नहीं समझे नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू। सो तेरी मेरी डोरिया में लीप हो चुका है। अब इस लीप के बाद आपको बताइए क्या हुआ है। अंगद साहिबा अलग हो गए हैं, अंगद को लग रहा है कि लगता है ऑब्वियसली कि उसके पिताजी की डेथ के पीछे साहिबा का हाथ है। साहिबा चली गई, साहिबा की जिंदगी में एक और नए भाई साहब आए हैं, काफी अच्छे हैं वो, अभी तक तो उनका दिल साफ लग रहा है। लेकिन अगर आप ये रिश्ता क्या कहलाता है का लीप जो देखें, पिछले अभी जो लीप है उसके पहले वाला अभिमन्यु और अक्षरा वाला, उसमें भी कहानी बहुत हद तक ये मिलती जुलती। वो कहानी ये थी कि अभिमन्यु और अक्षरा अलग हो जाते हैं। अभिमन्यु अक्षरा को घर से बाहर निकाल देता है और उसके बाद अक्षरा को पता चलता है कि उसके वो ट्विन्स हैं, माँ बनने वाली है और वो भी दो बच्चों की। अभिमन्यु को बताने के लिए वो फोन करती है, पहुंचने की कोशिश करती है, अभिमन्यु एक नहीं सुनता और उसके बाद उसकी लाइफ में आते हैं शर्मा जी, अभिनव, यस, यानी कि जैसे जय सोनी ने निभाया था। अब वो सेम कहानी एज इट इज आई थिंक राइटर्स ने उठा के रखी है तेरी मेरी डोरिया में, जहां पर अंगद साहिबा अलग हो गए, अंगद ने साहिबा को अलग कर दिया, उसके बाद साहिबा कोशिश करे ना करे वो सेकेंडरी है, लेकिन मैच कितना हो गया कि बच्चे की वजह से दोनों अलग हुए उस शो में भी और इस शो में भी। वहां पर भी उनको अभिनव मिले थे और यहां पर उन्हें मिले हैं आई थिंक योगिंदर। तो ये जो कहानी है ये लिखते हुए मेकर्स क्या सोच रहे थे आई रियली डोंट नो, क्योंकि ये सेम ट्रैक जी टीवी के शो राधा मोहन में भी यूज किया गया था। एंड कमाल की बात यह है, ये ट्रैक सक्सेसफुल हो जाता है, लोग इस ट्रैक को देख रहे हैं, मेकर्स को भी ये पता है कि ये ऐसा नुस्खा है जो आपने कहीं पर कितनी बार भी अलग अलग तरीके से अपना लिया आपका शो हिट है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन एज अ राइटर थोड़ा तो ओरिजिनैलिटी की जरूरत होती है ना गाइस, मतलब आप एज इट इज एग्जाम की एक जो लिखी हुई लाइन है वो साइंस के प्रोजेक्ट की मैथमेटिक्स में तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है। ये बात जब मुझे पता चली तो आई वॉज लिटरली शॉक और मुझे भी लगा हाँ यार ये बात तो सही है और ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब सवाल ये उठता है कि मेकर्स क्या सोचते हैं इस सब को लेकर, क्योंकि जनरली टीवी शो के अंदर जब राइटिंग होती है तब मैं आपको बता दूं वो राइटिंग यानी कि जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो फिल्मों से भी बहुत 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 डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट इन द टर्म्स ऑफ टाइम।
फिल्म के अंदर अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपको बहुत वक्त मिलता है, बहुत वक्त मिलता है, बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत रिसर्च होता है, उसके बाद कहानी की शूटिंग शुरू होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि सीन शूट हो गया, अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर से लिखा जाता है सीन, उसके बाद शूट होता है। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। टेलीविजन में एक दिन पहले भी छोड़िए, कई बार तो एक घंटे पहले एक्टर्स को लाइंस मिलती हैं, उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है कि आगे ऐसा होने वाला है। अब यहां पर प्रेशर आ जाता है मेकर्स के साथ साथ राइटर के ऊपर भी, एक्टर्स के ऊपर तो है ही, लेकिन ऐसे में कुछ राइटर्स होते हैं जो इतने टेंस्ड, इतनी प्रेशर सिचुएशन में भी अपना ओरिजिनल देते हैं, और कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो इधर से एक को कट किया और दूसरी जगह उसको पेस्ट कर दिया। कहानी दे दो, एक ट्रैक दे दो, डायलॉग्स तो अपने आप हम लिखते ही रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है टीवी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि अगर आप देखें तो जब हम बात करते हैं कॉपी की, कॉपी में हम बोलते हैं कि यार बॉलीवुड ने हॉलीवुड को कॉपी किया है, कई सारी कहानियां हम हॉलीवुड की लेकर बॉलीवुड में लेके आए हैं। लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि टीवी इंडस्ट्री में भी बॉलीवुड की कई सारी कहानियां आई, और अब तो ऐसा होने लग गया है कि एक टीवी शो से कहानी उठाकर दूसरे टीवी शो में डाल दिए। इसीलिए जब ये बात मुझे पता चली, सबसे पहला जो सेंटेंस मेरे दिमाग में आया था वो यही था कि तेरी मेरी डोरिया में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एंट्री हो गई, चाहे न चाहे। लेकिन गाइज ये बहुत बड़ा एक विषय है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर आई थिंक एज फैंस आप सब लोगों को भी, मेकर्स को बोलना चाहिए दैट आप अपनी जिंदगी का आधा घंटा निकाल कर किसी टीवी शो को देते हैं क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, और अगर आप तक ओरिजिनल चीज ना पहुंचे तो फिर मजा नहीं आता, क्योंकि आपका जिंदगी का आधा घंटा और वो भी रोज बहुत अहम है। आई थिंक राइटर्स को उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बट फिर भी टीवी इंडस्ट्री है। मेरा काम था ये खबर जो मेरे पास आई आप तक शेयर करना, इससे ज्यादा फिलहाल तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है एंड आई एम नॉट मेकिंग एनी शो। बट जो लोग शो बना रहे हैं आई एम श्योर थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखकर कॉपी करना बंद कर देना चाहिए, ओरिजिनैलिटी डालनी चाहिए। सो ये चीज आपके साथ शेयर करना चाहता था, एंड इस तरीके से ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एंट्री हुई है तेरी मेरी डोरिया। तो आप अगर स्टोरी पसंद आई हो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर लिखिए, एंड एज आई ऑलवेज से कीप वॉचिंग तेरी मेरी डोरिया एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार, एंड इस तरीके की थोड़ी अलग खबरों के लिए सब्सक्राइब टू स्टार स्टेशन टीवी। ऑन लोकेशन भी है, पॉडकास्ट भी है, अपडेट्स भी है, मस्ती भी है, और आप सब भी है। थैंक यू सो मच, दिस इज राज दीक्षित साइनिंग ऑफ फॉर दिस स्टोरी। टेक केयर।